सो हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन माई चैनल अनिल एनिमेटर ब्लॉग्स। दोस्तों आप लोगों का कई बोलो स्वागत है मेरे चैनल के ऊपर, और आशा करता हूँ कि आप लोग अपने घर पर स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों आज की जो वीडियो रहने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप लोगों के लिए, और जो वीडियो है आज की मैं आपको पीए भर्ती के ऊपर लेके आया हूँ। तो आपको बताऊँगा कि बहुत सारी इसमें जो वेबसाइट है वो एक्चुअली बंद चल रही है, और एक वेबसाइट है उसके ऊपर जो कि फेक वेबसाइट है, तो मैं वो भी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि प्रॉपरली कौन सी वेबसाइट पर क्या है काम हो रहा है, कौन सी वेबसाइट आप लोगों के लिए फेक है। उसमें दो वेबसाइट दिखा रहे हैं, एक फर्स्ट में एक सेकेंड में, तो मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर जरूर दिखाऊँगा। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, यहाँ पर ये आर्मी एरिया है पीछे, जो मेरे पीछे आप ठीक देख रहे होंगे यहाँ पर, तो मैं अपनी छत पर हूँ इस टाइम पर, और यहाँ से आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोगों के लिए मेहनत जरूर कर रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ही बेकार बेकार का भी कमेंट कर देते हैं, तो मैं आप लोगों के लिए मेहनत ज़रूर कर रहा हूँ यहाँ पर। लेकिन आप लोग ये हमेशा ध्यान रखिए कि जो इंसान इंडियन आर्मी के अंदर जिसने जॉब की होती है उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, और जो सिविल पर्सन होता है उसको इतना एक्सपीरियंस नहीं होता किसी चीज़ के बारे में, तो वो गलत कमेंट ना करें। और हमेशा जिसने रिस्पेक्ट की है इंडियन आर्मी की और इंडियन आर्मी पर्सन की, वो हमेशा अपनी लाइफ के अंदर कामयाब हुआ, आगे बढ़ा है। और जिसने नहीं किया दोस्तों, वो शायद उसको पता नहीं, अभी मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ उसके बारे में ऐसा, कि उसको हो सकता है घर से वैसे ही संस्कार मिले हों, तो मैं उसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा। और चलिए चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, और पीछे का ये आप देख रहे हैं कितना ब्यूटीफुल है, ये है आर्मी के लिए, ठीक है। चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। हम लोग आ गए हैं ये अभी जो है ट्यूटोरियल आर्मी की वेबसाइट के ऊपर, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मेरे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये फर्स्ट वाली जो वेबसाइट है, एक सेकेंड वाली है। सेकेंड वाली जो वेबसाइट है दोस्तों, जो यहाँ पर नीचे ये वाली वेबसाइट, ये वाली जो आपको नज़र आ रही है जहाँ मेरा अभी यहाँ पर जो कर्सर है, तो यहाँ पर ये जो वेबसाइट है ये फेक वेबसाइट है, और जो फर्स्ट वाली है जो इंडियन फ्लैग जिसके साथ बना है, ये वाली ओरिजिनल वेबसाइट है, ठीक है ना। जो ये आपने ध्यान रखना है यहाँ पर, जब मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पर दोस्तों, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है कैप्चा कोड नहीं आ रहा है इसकी जो वेबसाइट के ऊपर जो इंडियन आर्मी जो, अगर यहाँ पर जब तक हम सिक्योरिटी कोड नहीं डालेंगे हम वेबसाइट के अंदर एंट्री नहीं कर सकते। तो देखिए अभी तक यहाँ पर क्या है, ये कैप्चा कोड यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो यही दिक्कत है इस वेबसाइट के अंदर आ रही है। काफ़ी 10-15 दिन से मैं ट्राई कर रहा हूँ इसके ऊपर कंसिस्टेंसीली, मैं आप लोगों के लिए सोच रहा हूँ कि अगर जल्दी से जितना जल्दी इस पर जो है कोई नोटिफिकेशन आए तो आप लोगों तक पहुँचाऊँ मैं, बट मुझे लग रहा है वेबसाइट अभी तकरीबन बंद चल रही है और इस पर कोई काम चल रहा है आई थिंक, मुझे लगता है इसलिए ये बंद चल रही है, ठीक है। सेकेंडली हम बात कर लेते हैं उस सेकेंड वाली वेबसाइट के ऊपर, जो सेकेंड वाली वेबसाइट मैंने आप लोगों को बताई, ये वाली वेबसाइट है, इसको जैसे आप ओपन करोगे तो किसी ने फेक वेबसाइट बनाई हुई है, तो इसके ऊपर आप ना जाएं कभी, ठीक है ना। अभी आप थोड़ा सा इसमें देख लीजिए कि इस वेबसाइट में है क्या, ये देखिए ये वेबसाइट कुछ इस तरह से खुल रही है, सेम आपको ऐसा लगेगा कि ओरिजिनल वेबसाइट है बट ये ओरिजिनल वेबसाइट नहीं है। तो इसके ऊपर ऐसे ही देखो, ये इसके ऊपर चल रही होंगी नोटिफिकेशन से बहुत सारी, आप इस पर जाके कभी आप अप्लाई मत कर देना किसी चीज़ के लिए, नहीं तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। पहले भी बहुत सारे बच्चों अपना नुकसान कर चुके हैं, बहुत सारे बच्चे थे पहले, उन्होंने ऐसी वेबसाइट पर फेक वेबसाइट के ऊपर जाकर उन्होंने अपना क्या है पैसे भर दिए, फीस पेड कर दी है। तो ये फेक वेबसाइट है जो आप देख रहे हैं यहाँ पर दोस्तों, ठीक है। जैसे ये टीए की भर्ती आएगी तो किस वेबसाइट के ऊपर आएगी, वो उस वाली वेबसाइट के ऊपर आएगी, यानी कि इस वेबसाइट के ऊपर आएगी, ठीक है। तो आपने इसको हमेशा चेकआउट करते रहना है, इस वाली वेबसाइट को आपने उस दूसरी वेबसाइट के ऊपर नहीं जाना है, ठीक है। यही वेबसाइट है जिसके ऊपर आपको पहले सिक्योरिटी कैप्चा डालना पड़ेगा, तभी आप एंटर कर पाओगे वेबसाइट के अंदर, जैसे कि इंडियन आर्मी का होता है। देखिए जैसे मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर इंडियन आर्मी ऑफिशियल की जो वेबसाइट है उसका भी दिखा देता हूँ मैं। जैसे कि दोस्तों अभी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, देखो ये है ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट, इसको हम क्लिक करते हैं जैसे ही, तो यहाँ पर देखो अभी आप ओपन होगा ये, जैसे ही देखो ऐसे ही कैप्चा कोड उस पर भी आता है टेट्रोल आर्मी वाली पे, तो इस पर हम जैसे अभी देखो एक कैप्चा कोड डालेंगे आप फिल करेंगे तो क्या होगा देखना अभी। तो दोस्तों देखो अभी हमने इसके अंदर कैप्चा कोड डाल दिया है, तो कैप्चा कोड डालते ही अभी आप एंटर करेंगे वेबसाइट के अंदर, देखो ये वेबसाइट अभी ओपन हो गई, ये इंडियन आर्मी की ओरिजिनल वेबसाइट है, ठीक है, जिस पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर सारे ऑफिसर्स की एंट्री है, अप्लाई कर सकते हो अब यहाँ पर, ठीक है। SSB का नोटिफिकेशन वगैरह सब चेक कर सकते हो आप इस वेबसाइट पर आके, तो आप लोगों को वेबसाइट चेक करते रहना चाहिए। और यह है JC/ORS की जो अग्निवीर एनरोलमेंट होता है, यहाँ से देखो यहाँ इसके ऊपर एक ये नोटिफिकेशन भी चल रही है, ये टेंटेटिव रैली शेड्यूल का है, वो भी अभी तक इसके ऊपर नोटिफिकेशन चल रहा है। द कैंडिडेट विल रिसीव द एडमिट कार्ड फॉर द रैली फॉर द रजिस्टर्ड मेरे 15 से 30 दिन के अंदर आपका मतलब एडमिट कार्ड आ जाएंगे, तो उसके ऊपर चल रहा है। आप यहाँ से व्यू ऑल करके भी यहाँ पर देख सकते हो पूरा का पूरा, इसको व्यू ऑल करते ही आपके पास यहाँ पर देखो नोटिफिकेशन आ जाएंगी, दो देखो, एक 24 मई की नोटिफिकेशन है, एक 5 अप्रैल की है, ठीक है ना। ये एंट्रेंस एग्जाम की थी जो 5 अप्रैल की, और ये है टेंटेटिव जो शेड्यूल आपका क्यूरी का है, जो इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही देखो इंडियन आर्मी की वेबसाइट भी ऐसे इसके ऊपर क्या आ जाएगी, जो PDF जो आपकी डाउनलोड होगी यहाँ पर, ठीक है ना। थोड़ा सा टाइम लग रहा है,
शायद नेट का थोड़ा सा बहुत इशू हो सकता है यहाँ पर। तो दोस्तों ऐसे आपके पास खुल के आ जाएगी, जो है आपके पास जो है रिक्रूटमेंट का जो है पीडीएफ फाइल ऐसे खुल के आएंगी, तो आप उस पर देख सकते हो, वहाँ पर जाके आप यहाँ पर जाके चेक कर सकते हो। तो मेरा मकसद था आप लोगों का ये मतलब कि कौन सी वेबसाइट सही है कौन सी गलत है उसके बारे में बताना, वो मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो और बच्चों के साथ भी जरूर शेयर करना, और आप फ्रॉड वेबसाइट के चक्कर में कभी ना पड़ें। और टीए आर्मी भर्ती की मैं मान रहा हूँ कि आप लोग ट्राई कर रहे हो अपना उसके लिए उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, बट मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि जब तक इसका कोई नोटिफिकेशन पक्का नहीं आ जाता तब तक इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता अभी, क्योंकि टीए भर्ती अभी तक का कोई नोटिफिकेशन नहीं है, और शायद हो भी सकता है कि आ भी जाए और ये भी हो सकता है कि नहीं आए, दोनों ऑप्शन यहाँ पर चल रहे हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आप टीए के साथ साथ किसी और चीज़ का भी आप ट्राई करते रहो, ताकि आपको क्या है आने वाले टाइम पर कोई क्या हो, आपको कोई पछतावा ना हो अपनी ज़िंदगी के अंदर यार कि मैंने अपनी लाइफ के अंदर कुछ नहीं कर पाया कभी, है ना। तो यहाँ पर आप मेरे जो चैनल के ऊपर वीडियो देखोगे एकदम मैं ट्रूली वीडियोस और वेबसाइट के ऊपर ही वीडियोस प्रॉपरली लेके आता हूँ आप लोगों के लिए, प्रॉपर मैं प्रूफ के साथ लेके आता हूँ जो भी चीज़ लाता हूँ आप लोगों के लिए। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा अभी कि टीए का अभी जो वेबसाइट है बंद चल रहा है, क्यों चल रहा है और इसका क्या रीज़न है, क्योंकि काफ़ी सारा बदलाव होने वाले, हो सकता है कि टीए वेबसाइट पर काफ़ी सारे बदलाव होने वाले हों जिसमें कि एज क्राइटेरिया वगैरह भी कम कर दिया जाए, अग्निवीर की तरह जैसे इन्होंने वेबसाइट के ऊपर किया है इन्होंने पूरा काम, वैसे ही क्या है इसके ऊपर भी शायद हो सकता है चल रहा हो ऐसा। तो आप लोगों को घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है दोस्तों, आप लोगों ने अपनी तैयारी करते रहना है और क्या है आगे बढ़ते रहना है ज़िंदगी में, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर जरूर कर देना और भी पर्सन के साथ। तो मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत वंदे मातरम एंड गॉड ब्लेस यू।